सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज ना भाई ये शुरुआत एक्चुअल में हो रही है बिल्कुल लेट नाइट, क्योंकि अपना सडनली प्लान बन चुका है। जो हमारा ट्रिप होने वाला था नेक्स्ट डे, उसको हम निकल रहे हैं एक दिन पहले। तो भाई इसीलिए ये एकदम सडन प्लान बना है ड्यू टू वेदर कंडीशंस एंड ड्यू टू आर पर्सनल वर्क। तो भाई वो जो स्पेस है ना, वो बड़ी मुश्किल से अपने को एक दिन का शॉर्टेज हो रहा था, तो हमने एक दिन जल्दी प्लान कर लिया। तो फिलहाल अभी हम कल निकलने वाले हैं अपने ट्रिप पर, और उस ट्रिप से पहले आप देख सकते हो जी पूरी भसड़ मची हुई है भाई। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, क्योंकि अभी सडनली हमने डिसाइड किया कि भाई वी हैव टू अराइव टुमारो। तो अभी आप ये सोच रहे होगे, वैसे तो आप बहुत स्मार्ट हो, आप थंबनेल लेके सब चीज़ समझ जाते हो, बट फिर भी आप सोच रहे हो कि भाई मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कौन से ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैंने 2-3 ब्लॉग पहले हिंट दिया था कि भाई हमारे बैक टू बैक 2 ट्रिप्स प्लान हो रहे, तो वो कहाँ के हो रहे हैं। तो उसमें एक ट्रिप हमने कम्प्लीट कर लिया, जिसका कि ब्लॉग आप शायद कल देखोगे, और एक ट्रिप अपना अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, और कल बल्लू जेल से फरार। सो जी फिलहाल आप देख सकते हो आपके भाई का बैग एकदम रेडी हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट सारी, और अभी भी 2-3 चीज़ें बाकी हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये देखो भाई, इसके अंदर ये सारा अपना जो गैजेट्स वगैरह वो सारे कैरी कर रहे हैं। एक यहाँ पर अभी डाटा ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है, मतलब कि होते होते स्क्रीन लॉक हो गई है, वो अभी चला देंगे भाई। ये देखो लग रहा है इसका बैटरी ख़त्म हो गया, क्योंकि काफ़ी देर से ये हो रहा था, फिलहाल अभी ऑन हो रहा है। शूज़ वगैरह अभी अपने यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, एक तो ये हो गए, एक शूज़ और एक पेयर लेके चलेंगे। तो जी फुल ऑन भसड़ मची हुई है भाई एकदम से ना, मतलब एक दिन बाद निकलना था, अब एक दिन पहले निकलने के चक्कर में ऑलरेडी एक व्लॉग की अभी मैंने एडिटिंग खत्म करी है थोड़ी देर पहले, और उस व्लॉग को भी अपलोड पे लगाया, थंबनेल वगैरह एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ करने में बहुत टाइम लग गया, और सडनली अब अपने को निकलना है। तो भाई आप समझ सकते हो कितना प्रेशर है गाइज, कितना प्रेशर है गाइज। अभी लेट नाइट हो रही है यार, और आप देख सकते हो जी पूरी गाड़ी आपके भाई ने सेट कर दी है, पैकिंग वगैरह सारी चीजें कर करके डन। सो गाइज फिलहाल अभी चल रहे हैं, और फ्यूल वगैरह भी डलवा के गाड़ी ये भी ओके कर देते हैं, ये काम भी अपना फिनिश कर लेते हैं। सो जी फिलहाल जो फ्यूल था ना, वो आप देख सकते हो जी रेंज दिखा रहा है 189 किलोमीटर्स की, और टेम्परेचर अभी इतनी रात को भी 38 है भाई, माय गॉड क्या ही हो रहा है यार भाई, मतलब इतना टेम्परेचर यार, मतलब लिटरली यार बिल्कुल रात हो रही है, अभी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल रात हो रही है और इतनी रात में 38 डिग्री है भाई। सो जी ये आप देख सकते हो जी मेन रोड पर है, और बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल रात हो चुकी है भाई, स्ट्रीट लाइट तो जल रही हैं, लेकिन वैसे रात है तो भाई रात तो रात ही है ना, अंधेरा तो लगेगा ही। तो फिलहाल अर्ली मॉर्निंग में ना यार, पता है क्या होता है, कितना भी जल्दी करो ना, आपको पता है यार सुबह अगर मैं 4 बजे निकलने का सोच रहा हूँ, कितना भी जल्दी करूँगा 4:30, 5:30 बज ही जाएंगे, और सुबह के ना 15 मिनट भी ना गाइज आपको टोटल जर्नी में आधे घंटा पीछे कर देते हैं। तो इसलिए सुबह का टाइम नहीं खराब करेंगे, अभी इस काम को फिनिश करेंगे फटाफट से। सो जी चलते हैं और E20 फ्यूल डलवाएंगे। सो जी फ्यूल अप करा लिया है, E20 फ्यूल भरवाना चाहते थे, बट इनकी मशीन ही आधे टाइम भाई हमेशा यही होता है, मशीन नहीं है, मशीन सही नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है भाई, एनीवेज फिलहाल अभी चल रहे हैं नॉर्मल फ्यूल अप करा लिया है, अब एक बारी ATM भी चल लेते हैं, आपको पता है वो काम भी जरूरी है। सो जी मार्केट पहुंच चुके हैं, एकदम सुनसान पड़ी है भाई, देख रहे हो बस एक वो गाड़ी दिख रही है वहां पर। सो जी बैंक का काम फिनिश कर लिया है, अब सीधा चल रहे हैं घर की तरफ। नाइट में देख लो भाई, इतनी नाइट में भी भाई रोड पे ट्रैफिक यार, मॉडर्न सिटीज, मेट्रोपोलिटन सिटीज, तो यहाँ पर भाई सोते नहीं है लोग, सोते भी हैं तो तब सोते हैं जब बिल्कुल सुबह होने वाली हो जाती है, जब मॉर्निंग वाले लोग उठने वाले होते हैं ना तब सोते हैं यहाँ पे। तो जी फिलहाल वापस पहुंच चुके हैं अपने घर पर, और अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि भाई शावर वगैरह भी ले लूँ अभी, और फिर सवेरे सीधा फ्रेशन अप होके सीधा निकल जाऊंगा, मतलब कि ये ना बाथ नहीं लूंगा, सीधा हल्का फुल्का फ्रेशन अप होके सीधा भाई अपना निकल जाएंगे, क्योंकि यार सुबह का टाइम ना मैं बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहता, और मुझे पता है मैं कितना भी जल्दी सोऊंगा सुबह लेट होता ही है भाई।
तो ये एक छोटी सी बात है। और इसी के साथ भाई अभी थोड़ा सा डाटा ट्रांसफर पे चीज़ें को लगाते हैं। डाटा ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा, स्पेस खाली नहीं होगा, तो भाई क्या ही रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी व्लॉगिंग से हो, व्लॉगिंग करते हो, तो आपको पता होगा भाई कि ये सारी चीज़ें ना, यही सारी चीज़ें भाई सारा डिले क्रिएट करती हैं, यही सारी चीज़ें। और इसी के लिए अपने को टीम चाहिए होती है, बट ये काम कुछ ऐसा है ना जो खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो खुद ही मैनेज करते हैं और मज़ा भी आता है क्योंकि पैशन है। सो जी आप देख सकते हो फिलहाल सारी चीज़ों से ना फ्री वगैरह हो चुके हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा मैं फ्री हो चुका हूँ, क्योंकि टाइम इतना हो चुका है, तो बस आप देख सकते हो भाई मैं बता रहा हूँ फ्री हो चुके हैं। और फिलहाल अभी कुछ ऐसे दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट चल रहा है ना, तो बस ये वाला काम और अपना फिनिश हो जाए, उसके बाद मैं सोच तो रहा था भाई शावर ले लूँ, सारी चीज़ ले लूँ, बट वो शावर कैसे लूँगा भाई, कैसे शावर नहीं ले पाऊँगा भाई, मुझे नहीं लग रहा मैं ले पाऊँगा, क्योंकि अभी भाई 12 बज चुके हैं, 4 बजे अपने को निकलना है, एटलीस्ट 3-4 घंटे के तो स्लीप होना ही चाहिए ट्रैवल से पहले। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले अभी हम स्लीप लेंगे, सो जाएंगे और फिर सुबह ही देखेंगे जो होने वाला है या हो सकता है वो सुबह ही करेंगे भाई। सो जी फिलहाल अर्ली मॉर्निंग है यार, बिल्कुल सुबह सुबह उठ के ना रेडी वगैरह हो चुके हैं, आप देख सकते हो आपका भाई बिल्कुल रेडी है और अब फटाफट निकल रहे हैं भाई। फिर भी करते करते मैंने आपको बोला था ना भाई, कितना भी मैं करूंगा ना सुबह मैं लेट हो ही जाऊंगा, तो भाई लेट हो चुके हैं, 5:30 हो रहे हैं। ऑल्दो अपने को 4 बजे के आसपास निकलना था, बट फिर भी 5:30 हो रहे हैं भाई, तो बहुत लेट है। फिलहाल अभी चलते हैं, एक ये लैपटॉप वाला बैग एंड में ही हमेशा जाता है, तो वो वाला लेके चल रहे हैं फटाफट। सो जी फाइनली ही अब यहाँ से निकल चुके हैं और अपना रोड ट्रिप स्टार्ट होगा, तो इसलिए अब अपने को क्या करना होगा इस वाले ब्लॉग को, जी हाँ बिल्कुल ठीक समझे आप, इसको अब अपने को एंड करना पड़ेगा। और फिलहाल अभी आपको एक हिंट दे देता हूँ कि अपना जो ये रोड ट्रिप है ये कहाँ के लिए हो रहा है, और एग्जैक्टली जो ट्रिप है वो कहाँ के लिए हो रहा है, तो वो हो रहा है भाई कश्मीर के लिए। और रोड ट्रिप कहाँ होगा, ऑफकोर्स श्रीनगर के लिए, तो गाइस श्रीनगर के लिए है, बट थोड़ा सा ना अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि पहले हमने प्लान किया था कि 4 बजे के आसपास निकल जाएंगे, बट जैसा कि आपको पता है कि रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो सुबह भी निकलने में 1.5 घंटा लेट निकल रहे हैं भाई। और 1.5 घंटा लेट निकलने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अब श्रीनगर तक का रूट जो है वो ऑलमोस्ट 17 आवर्स का ड्राइव दिखा रहा है। अब 17 आवर्स के ड्राइव में यार आप समझ सकते हो कि मैं कितना भी जल्दी करूँगा तो मतलब जो लेट इवनिंग होती है ना, अंधेरा होने से पहले मैं कहीं प्रॉपरली पहुंच नहीं पाऊंगा, मतलब कि बीच में रुकूंगा। जम्मू क्रॉस करने, जम्मू डेफिनेटली ये उम्मीद है कि क्रॉस करेंगे, बट जम्मू क्रॉस करके कहां तक पहुंचेंगे ये नहीं पता है, क्योंकि आगे का रास्ता क्या है कि भाई मेरे लिए भी नया है, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूं बाय रोड, तो थोड़ा सा ये देखने वाली बात है कि वहाँ पर क्या होगा, कितनी दूर हम पहुँच पाएंगे, ये थोड़ा सोचने वाला मैटर है। फिलहाल के लिए एक छोटी सी चीज़ याद आई मेरे को कि अमरनाथ यात्रा जब मैंने पहले करी थी तो भी मैं उस वाले रूट पर गया हुआ, बट अभी ही मैंने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली नहीं है। तो ठीक है गाइज, आई होप आप भी ट्यून्ड रहेंगे, स्टे ट्यून्ड रहना आप भी, ताकि प्रॉपर अपडेट्स आपके साथ शेयर होते रहेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी प्लानिंग थी। अभी देखो जो ब्रिजधाम वाला ट्रिप था उसके अंदर भी ना ड्रोन शॉट्स वगैरह उतने ज़्यादा हो नहीं पाए, बट इस वाले ट्रिप में पार्टिकुलरली एट एनी कॉस्ट हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, तो पूरा मैनेज करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स निकालेंगे और बढ़िया सी एडिटिंग करके एक वीडियो आपके लिए जल्दी आएगी चैनल पर। तो मिलते हैं गाइस दोबारा नए दिन की शुरुआत के साथ नए व्लॉग में, टिल देन कीपिंग योर लाइफ 05 आपकी भाई की इंस्टा आईडी है, जल्दी जाके फॉलो कर लो, लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं दोबारा, बाय 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 बाय।